चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का बेहतरीन चैप्टर है क्लास। क्लास से एग्जाम में एसएससी बैंक रेलवे हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा है क्लास। क्लास यानी कि घड़ी से स्टार्ट करते हैं। घड़ी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में? तो एग्जाम में 5 या 6 टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें घड़ी के लिए सबसे पहले आपको यह जानना है बेसिक नॉलेज कि घड़ी में छोटी सुई है, बड़ी सुई है और लंबी सुई है। इन तीनों सुई के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर तीनों सुई के बारे में जानकारी नहीं है तो आप कैसे बताएंगे कौन सी घंटे वाली सुई है, कौन सी मिनट वाली है, कौन सी सेकंड वाली है? जो छोटी सुई होती है वह घंटे वाली सुई है, जो उससे बड़ी वाली सुई होती है वो होती है मिनट वाली सुई, लेकिन जो पतली सुई होती है उसे कहते हैं सेकंड वाली सुई। अब देखिए इसमें कितने टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में वीडियो री एग्जाम का चल रहा है, एग्जाम होने वाला जून में है वीडियो री एग्जाम के लिए, वीडियो री एग्जाम। और इसमें प्रेजेंट टाइम में एमटीएस एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है जिसमें क्लास के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए कितने टाइप के क्वेश्चन क्लास से बनते हैं। एक बनता है इमेज से, एक क्वेश्चन बनते हैं इमेज से, इमेज मिरर इमेज, इसमें दर्पण देखा जाता है, इसको बोलते हैं मिरर। ये लिखा और ये लिखा, यह भी दर्पण है, इसको बोलते हैं दर्पण, दर्पण देखा जाए। इसको बोलते हैं वाटर इमेज, इसको बोला जाता है वाटर इमेज, यह है वाटर इमेज। एग्जाम में दो क्वेश्चन आते हैं, एक बार दर्पण ऊर्ध्वाधर रखा जाता है, एक बार दर्पण क्षैतिज रखा जाता है। यदि दर्पण ऊर्ध्वाधर रखा गया है तो आप बोलेंगे इसका दर्पण प्रतिबिंब समय निकालना है। अगर पूछेगा वाटर इमेज रखा गया है तो यानी कि आपको जल प्रतिबिंब समय निकालना है। यहाँ दो टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जल दर्पण प्रतिबिंब, जल दर्पण प्रतिबिंब। अगर हम एक घड़ी बनाकर देखें, यह हमारा एक घड़ी हो गया, इसमें घड़ी कभी नंबर नहीं नोट करते हैं। अगर आप नंबर नोट करेंगे तो इमेज नहीं बता पाएंगे। कभी इमेज बताने के लिए घड़ी में उसका प्रयोग करते हैं जिसमें नंबर नहीं लिखा हो। जैसे आप ही बोल दिए 12 हो गया, यह हो गया 6, यह हो गया 3 हो गया, ठीक, यह हो गया 6, यह हो गया 9, यह नंबर नोट किया गया है। लेकिन हम कभी भी घड़ी में लिखेंगे तो नंबर नहीं होना चाहिए। इसमें आप डॉट का प्रयोग कर दें, यहाँ डॉट का प्रयोग कर दें, इससे यह पता चल जाए कि यहाँ 12 है, यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, यहाँ 9 है। अगर कभी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यह टाइमिंग बना रहेगा तो आप घड़ी को जैसे वाटर इमेज मिरर इमेज में बता सकते हैं जवाब। लेकिन अगर आपने नंबर लिख देंगे तो आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज बताने में दिक्कत होगी। तो एक टाइप ये पूछा जाएगा, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें वाटर इमेज और मिरर इमेज दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम और पूछे जाएंगे। एंगल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंगल यानी कि एंगल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि कोणीय दूरी निकालना होगा एग्जाम में, कोणीय दूरी पूछे जाएंगे। और दो सुइयों के मध्य का कोण, दो सुइयों के मध्य का कोण निकालने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। टाइप क्या हो गया, टाइप टू हो गया। एक पूछा जाता है कि जब दो टाइम दिए गए हो उन टाइम के द्वारा एंगल बने, यानी कि कोण बने, दो टाइम के बीच में एंगल बने। जैसे भी मान लीजिए कुछ देर 5 और 6 बजे के बीच में कब 30 अंश का कोण बनेगा, कब 60 अंश का कोण बनेगा, कब 90 अंश कोण बनेगा, या बोले कि 5 और 6 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां आपस में मिलेगी तो 30 अंश का कोण, जब बोलेगा कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी तो 180 अंश का कोण, कब दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी 90 अंश के कोण पर। यहाँ 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो टाइम से जुड़े हुए हैं। और एक टाइम से एग्जाम में क्वेश्चन आता है घड़ी का स्लो होना, घड़ी का फास्ट होना, यानी कभी घड़ी स्लो हो जा रही है और उसमें सुइयां, कभी घड़ी क्या हो रही है फास्ट हो जा रही है। इस टाइप के भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, घड़ी का स्लो होना, घड़ी का फास्ट होना। ये इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा प्रेजेंट टाइम में कि अगर मान लीजिए आज रविवार है, हमने आज के 4 दिन बाद टाइमिंग कोई दे दिया, उस टाइमिंग के आधार पर पूछा जाएगा बताइए घड़ी कब सही समय बताएगी, यानी कि इसका मतलब है कि घड़ी खराब है, यानी घड़ी कब सही टाइम बताएगी, यानी इसको बोलते हैं घड़ी में क्या है प्रॉब्लम, यानी करेक्शन करना है। ये करेक्शन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, घड़ी ने गलत समय बता दिया तो किस दिन सही टाइम बताएगी, इस टाइप का भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
चलिए घड़ी का हमने बेसिक नॉलेज जानते हैं, घड़ी से बेसिक क्वेश्चन जानकारी कैसे मिलेगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट टाइप के आपके क्वेश्चन कहां से बनेंगे जो आपका बेसिक नॉलेज है। जब तक आपको घड़ी में बेसिक नॉलेज नहीं मिलेगा तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि घड़ी का बेसिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। देखिए भाई, हम एक घड़ी का स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में देखिए हमने एक घड़ी बना दिया, अब हमको नंबर नहीं लिखा यार। देखो हमने ऐसे नोट कर लिया, इसका मतलब यहाँ 12 होगा, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ कितना है 9 है। अब देखिए यहाँ हमने लिख दिया भाई 1 है, यहाँ 2 हो गया, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये देखो हो गया ना, हमने नंबर लिख दिया 2 4 हो गया, 5 है, 7 है, 8 है, 10 हो गया, 11 हो गया। अब देखिए ये जो घड़ी है ना, इसमें दूरी कितनी, 1 2 3 4 5, कितनी लाइन खींची है, ये 5, यानी इसके बीच की दूरी कितनी है, 5 मिनट की दूरी है। कितनी मिनट दूरी है, 5 मिनट। 1 2 3 4 5, ये भी कितनी दूरी है, 5 मिनट की। इसका मतलब कि 12 खाने बने हुए हैं, अगर 12 में 5 से गुणा कर दिया जाए तो 12 बचे कितना हो गया, 60। यानी कि इसका मतलब क्या है, टोटल दूरी कितनी है, 60 मिनट की। 60 मिनट में जब 60 मिनट की दूरी तय कर लेते हैं तो कितने गुणा बनता है, 360 अंश का। अर्थात हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में कितने स्कोर बन रहा है, 360 अंक का बन रहा है। इस स्पष्ट हो रहा है इसका जो रेंज होगा ठीक वो कितना है, 5 मिनट है। टोटल अगर मिनट देखिए 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30, 5, 40, 5, 45, 5, 50, 5, 55, 5, 60, यानी कि 60 मिनट हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि 60 मिनट का मतलब कितना हो गया, 1 घंटा। 60 मिनट का मतलब कितना हो गया, 1 घंटा। 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा। अब बताइए अगर घड़ी की सुई जो है, अगर मिनट वाली सुई एक राउंड पूरा मार ले, एक राउंड पूरा कंप्लीट कर ले, बताइए अगर यहाँ से करना स्टार्ट की, एक राउंड पूरा कंप्लीट कर ले रही है, इसका मतलब बताइए 60 मिनट की दूरी हो गया और 1 घंटा हो गया। 1 घंटा का मतलब कि यहाँ पर जितने स्कोर बन जाएगा, 30 अंश का स्कोर बन जाएगा। कितने स्कोर बन जाएगा, 30 अंश का स्कोर बन जाएगा। इसमें सोचता है कि 1 घंटे में कितने स्कोर बनता है, आप बताइए 1 घंटे में 30 अंश का स्कोर बनता है, 1 घंटे में 30 अंश स्कोर बनता है। अब जानते हैं कि आप बता दें कि 12 घंटे में कितने स्कोर बनता है, 12 घंटे में 360 अंश का बनता है जब घंटे वाली सुई एक चक्र पूरा करेगी। जब घंटे वाली सुई एक चक्र पूरा करेगी तो यानी कि 12 घंटा हो जाएगा। जब 12 घंटा हो जाए कितने स्कोर बनेगी, 360 अंश का। मिनट वाली सुई मतलब एक चक्कर पूरा कर रही, मतलब 60 मिनट या 1 घंटा हुआ। अगर घंटे वाली सुई जो है अगर एक चक्कर पूरा कर लेगी, अगर घंटे वाली सुई मान लीजिए ये छोटी सुई जो है, ये बड़ी सुई हो गया, ये छोटी सुई है, अगर ये मान लीजिए यहाँ पर छोटी सुई जाती, ये घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई एक राउंड पूरा करेगी तो 360 अंश का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई अगर एक राउंड पूरा करती है 360 अंश का कोण बनाती है। कह सकते हैं 12 घंटे में 360 अंश कोण बना रही है तो 1 घंटे में कितने स्कोर बनाएगी, तो 1 घंटे में कितने स्कोर बनाएगी, आपका 360 अंश बटे कितना 12 काट दिए तो 1 घंटे में कितने स्कोर बना रही है, 1 घंटे में 30 अंश का कोण बना रही है। यह स्पष्ट हो गया कि घंटे वाली सुई अगर घंटे वाले मिनट वाली इसमें एक राउंड पूरा करती है 360 अंश बनाती है और 60 मिनट की दूरी तय करती है। कितनी दूरी करती है, 60 मिनट की। लेकिन जब मिनट वाली चलेगी तो बताओ मिनट वाली कितनी, 5 मिनट दूरी तय की निकली, 1 घंटा की। 1 घंटा का मतलब कितना दूरी की, 5 मिनट की दूरी तय की। हम कह सकते हैं कि जो मिनट वाली सुई है, 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 जब यह 60 मिनट की दूरी तय करेगी, अगर 60 मिनट की दूरी तय करती है, अगर 60 मिनट की दूरी तय करती है, जो मिनट वाली सुई है अगर एक राउंड पूरा करेगी 60 मिनट हो जाएगा। लेकिन घंटे वाली सुई बताइए, दोनों सुई यहाँ थी, ये बड़ी सुई हो गई मिनट वाली, ये छोटी सुई हो गई घंटे वाली, ये हो गई घंटे वाली सुई और ये हो गई मिनट वाली सुई। यानी कि यह मिनट वाली सुई अगर एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लेगी तो यानी कि 60 मिनट की दूरी तय कर लेगी, और 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा। तो बताओ जो यह सुई यहाँ पर थी, बाहर पर थी, अब यह घंटे वाली सुई आ जाएगी 1 पर, इस पर आ जाएगी 1 पर, तो बताइए यहाँ कितने स्कोर बना है, 30 अंश का। लेकिन दूरी कितना घंटे वाली चली है, खाली 5 मिनट, कितना चली है, 5 मिनट। अब मिनट वाली सुई कितना चली है, 60 मिनट, 60 मिनट चली, मिनट वाली चली 60 मिनट। लेकिन घंटे वाली कितनी चली है, खाली घंटे वाली कितनी चली है, 5 मिनट। घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय की है, घंटे वाली सुई दूरी तय की है
दूरी तय की है कितना, 5 मिनट की दूरी तय की है। कितना दूरी की है, 5 मिनट दूरी तय की है, लेकिन मिनट वाली सुई एक चित्र पूरा करने में कितना यानी 60 मिनट की दूरी तय करनी है। अब बताइए, अब ये पूछा जाएगा कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना अधिक दूरी तय करती है, यानी अगर 60 में से 5 घटा दें कितना हो जाएगा 55, अगर 60 में से 5 घटा दें कितना हो जाएगा ये 55 हो गया, यानी कि जो मिनट वाली सुई है घंटे वाली की सुई की अपेक्षा 55 मिनट की अधिक दूरी तय करती है। बताइए जो छोटी सुई है कौन सी है, घंटे वाली है, जो बड़ी सुई है कौन सी है, मिनट वाली सुई है। अगर मिनट वाली सुई 12 से स्टार्ट करे एक चक्कर पूरा कर ले तो 60 मिनट दूरी तय करेगी, जब 60 मिनट दूरी तय करेगी तो घंटे वाली सुई जो 12 थी तुरंत आ जाएगी 5 मिनट, कितना दूरी चलेगी 5 मिनट, मतलब कितना घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। 1 घंटे में कितने स्पीड बनेगा 30 अंश का, 1 घंटे में कितने स्पीड बनेगा 30 अंश का। ये बताइए भाई, अगर 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनता है तो कितनी दूरी तय किया, 5 मिनट। अगर कोई कह दे 60 अंश कोण बना देता तो 5 मिनट कितना हो गया, 10 मिनट दूरी तय कर लिया। अगर कोई कह दिया कि 15 मिनट दूरी तय कर लिया तो कितने स्पीड बना दिया, 90 अंश का, कितने अंश का, 90 अंश का, यानी 5 मिनट पर 30 अंश कोण बनता है, 5 मिनट कितने बनता है 30 अंश का कोण बन रहा है, यानी 5 मिनट पर 30 अंश का कोण बनता है। अगर हम ऐसे बोले कि 5 मिनट में कितने स्पीड बनता है, 5 मिनट में कितने स्पीड बनता है 30 अंश कोण बन रहा है कि नहीं, तब हम 5 मिनट है टोटल बताइए 5 मिनट में कितने स्पीड बन गया 30 अंश हो गया। अगर हम बोले 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30 हो गया, ये बताओ टोटल कितना हो गया, 60 मिनट हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि अगर 60 मिनट में कहा जाएगा तो बताइए कितने स्कोर बन जाएगा 360 अंश का, कितने बन जाएगा 360 अंश का कोण बन जाएगा। हमें ये सिर्फ बेसिक जानकारी पता चला है कि अगर घंटे वाली सुई अगर ये 5 मिनट की दूरी तय करती है, इसका मतलब कि मिनट वाली सुई एक राउंड पूरा करती है, जब मिनट वाली सुई यहाँ से चलेगी अगर एक राउंड पूरा कर लेगी, एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेगी, बताओ 60 मिनट की दूरी तय की नहीं थी, 60 मिनट दूरी थी, लेकिन मिनट वाली सुई कितनी दूरी की करी, 5 मिनट की, यानी इसका मतलब है मिनट वाली सुई जो है घंटे वाली सुई से 55 मिनट की अधिक दूरी तय करती है, नहीं 55 मिनट की दूरी अधिक तय करती है। ये बेसिक नॉलेज था, अब ये पता हो गया कि 1 घंटे में कितने स्पीड बनता है 30 अंश स्पीड बनता है। अब बताइए 1 मिनट में कितने स्पीड बनता है, 1 मिनट में ये बताओ ये 30 अंश हुआ कि नहीं, कितने स्पीड बन रहा है 30 अंश का। अब बताओ ये दूरी कितनी है 5 मिनट, अगर 5 से भाग दे दें कितना आ गया 6 अंश, बताओ 1 मिनट में कितने स्पीड बनता है 6 अंश का। अगर 5 मिनट का अगर 5 × 30, यानी इसका मतलब है कि 5 मिनट, 5 मिनट 1 मिनट में कितने इसका 6 अंश का, 5 मिनट की दूरी है 5 मिनट कितना हो गया 30। हम ऐसे बोले 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनता है, 1 घंटे में कितने बनता है 30 अंश का कोण बनता है। ये दूरी कितनी है 5 है, डायरेक्ट कितने नंबर लेके हैं 5 नंबर लेके हैं, 5 से भाग दिया कितना आ गया 6 अंश, 1 मिनट में 6 अंश कोण बनता है, किसकी, मिनट वाली सुई बनाती है, और जो घंटे वाली सुई है ठीक 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है, एक घंटे में कितनी दूरी तय करी भाई, एक घंटा अगर पूरा करना है एक घंटे में कितनी दूरी तय करती है, 1 घंटे में 5 मिनट की दूरी तय कर रही है, 5 मिनट की दूरी तय कर रही है, कौन, घंटे वाली सुई, ठीक 1 घंटे में 30 मिनट बना रही है, 5 मिनट की दूरी तय कर रही है। हमने कहा कि 1 घंटे में अगर ये 30 अंश का कोण बना रही है, कितने अंश का 30 अंश का कोण बना रही है, ठीक बताओ 1 घंटा में कितना होता है, ये 60 मिनट होता है कि नहीं, 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितने स्कोर बना दी 30 अंश का, तो बताओ 1 मिनट में कितने स्कोर बनाएगी, तो कहेंगे 30 बटा कितना हो गया 60, कैंसिल कर दिए 30 से कम 30, 30 दुना 60, तो 1 मिनट में कितने स्कोर बनाएगी 1/2 अंश का। इसका मतलब है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने स्कोर बनाती है 1/2 अंश, कितना बनाती है 1/2 अंश। अब ये पॉइंट हो गया है कि घंटे वाली सुई ठीक 1 घंटे में कितने स्कोर बनाती है 30 अंश का, 1 घंटे में कितने स्कोर बनाती है 1 घंटे में 30 अंश का,
एक घंटे में कितनी दूरी तय करती है? 5 मिनट की दूरी तय करती है। एक घंटा में कितने स्पीड बनता है? 30 स्पीड स्पीड बनता है। तो 60 मिनट में एक घंटा कितना होता है? 60 मिनट। 60 मिनट में कितने स्पीड बनेगा? 30 अंश का। आप बोले कि 60 मिनट, तो एक मिनट में कितना हो गया? 30/7, यानी कि घंटे वाली सुई एक मिनट अगर चलेगी तो 1/2 अंश का कोण बनाएगी। यहाँ पॉइंट नोट कर सकते हैं, पॉइंट नोट कर सकते हैं कि घंटे वाली सुई एक मिनट में 1/2 अंश घूमती है, अर्थात 1/2 अंश का कोण बनाती है, ये बताइए रेंज किसका होगा? पता हो गया कि घंटे वाली सुई एक घंटे में कितने स्पीड बनाती है? 30 अंश का। लेकिन घंटे वाली सुई एक मिनट में कितने स्पीड बनाती है? 1/2 अंश का, ठीक ना? चलिए नोट कर लीजिएगा या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक ना? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक? इसका फोटो देख ले, ठीक ना? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जल्दी करो, जल्दी करिएगा। अभी आपका बेसिक नॉलेज चल रहा है, बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, अभी क्वेश्चन नहीं स्टार्ट किया गया है। जब तक घड़ी का बेसिक जानकारी नहीं होगा तब तक क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले नहीं। चलिए नोट हो गया सभी होगा? यस। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब ये घड़ी में क्वेश्चन पहला क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अब बताइए अगर मिनट वाली सुई है, दूसरा पॉइंट हो गया कि मिनट वाली सुई एक मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? तो कितने अंश का कोण बनाती है ये मालूम है कि जो मिनट वाली सुई है एक मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। 6 अंश का कोण बनाती है बताइए, तो एक मिनट में 6 अंश कोण बनाती है। इसका मतलब हो गया अगर एक चक्कर पूरा करेगा, अगर एक चक्कर पूरा करता है कितनी दूरी चलना पड़ता है? 60 मिनट की। कितने मिनट की? 60 मिनट की दूरी तय करना पड़ता है। एक चक्कर पूरा करने में 60 मिनट की दूरी तय करना पड़ता है। अभी बोले कि पूरा चक्कर में कितना रेंज हो जाएगा, कितने अंश का कोण बनेगा, बताइए। अब हमने बताया एक मिनट में 6 अंश हो गया, तो बोलेंगे 60 मिनट में कितना हो गया? 60 मिनट में कितना हो जाएगा? 360 अंश का कोण बनाएंगे। 360 अंश का कोण बनाएंगे, कितने स्कोर बनाएंगे? 360 अंश का। अगर हम बोले कि एक मिनट में कितने स्कोर बनाएगी, तो आप कहेंगे 360 अंश / 60 हो गया 60। कैसे कर रही है? तो एक मिनट में कितने स्कोर बनता है, यानी कि 6 स्कोर बनता है। देखिए प्रूफ हो गया नहीं? इसका मतलब है एक चक्कर पूरा कितने में 60 मिनट दूरी तय करता है, तो 60 मिनट में 360 अंश स्कोर बनता है। तो एक मिनट में कितने बनेगा? 360 अंश / 60, यानी कैसे हो गया कितना एक मिनट में 6 अंश का कोण बनता है। एक मिनट कितने अंश का बनता है? 6 अंश का कोण बनता है, ठीक है? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो कोई भेजता है? कर रहा कोई भेजता है वीडियो? क्या रहा वीडियो देने के लिए? ठीक है, नोट हो गया ना? यस सर। अब देखिए हमने एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन हमारा है कि सात बजकर टाइप वन का क्वेश्चन है। सात बजकर बीस मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? 7:20 पर
दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, ठीक ना? अच्छा ऑलरेडी अगर आप पता करेंगे 100 डिग्री बोल दिए, लेकिन ऐसे बोलने से काम नहीं चलने वाला है, आपको निकालना पड़ेगा कैसे आएगा, ठीक ना? आपको दो तीन तरीका बता रहा हूँ कि कैसे निकाला जाता है। एग्जाम में आप बेसिक तरीका भी जानिए, अगर भूल गया तो बेसिक तरीका, इसका ट्रिक बेस भी है। 7:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनता है। अगर हम बेसिक तौर पर लगाएं, देखिए बेसिक तौर पर लगाते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन लगाते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कैसे लगते हैं। बोला है 7:20, कितना 7:00, ये बोला है 7:20, ये बताइए 7 घंटा है कि नहीं, ये 7 घंटा है, 1 घंटा कितने स्कोर बनता है, 30 अंश का, ये 30 अंश हो गया, 7 घंटे में कितने बनेगा 210 अंश। अब जो मिनट वाली सुई है और घंटे वाली जो सुई है, मिनट वाली सुई का आधा अंश कोण ज्यादा बनाती है, यानी 20 मिनट है या 20 मिनट 20 का 1/2 अंश करेंगे, बन गया कितना आ गया 10, यानी कि ये 10 अंश ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा अब 220 हो गया, कितना हो गया 220। अब 7:20 पर जो घंटे वाली सुई है कितने स्कोर बनाएगी 220 अंश का। अब देखिए 20 मिनट दिया, 1 मिनट में कितने स्कोर बनता है 6 अंश का, ये गुणा करते हैं कितना 120 अंश। बताइए अब घंटे वाली सुई क्या हो गई, यह हो गई घंटे वाली सुई और ये हो गई कौन सी मिनट वाली सुई, इनके दोनों के बीच का अब डिफरेंस देखेंगे, कभी माइनस का आंसर नहीं लिखेंगे, इनके बीच का अंतर देखा जाता है, ठीक। अब 220 में से 120 घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा कितना 100 अंश। बताओ दोनों सुइयों के मध्य कितने स्कोर बनता है 100 अंश का कोण बनता है, ठीक ना? एक टाइप का आपका बेसिक था, अब इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक ना? इसको चाहे बाद में भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 7:20 पर देखिए 7:20 पर 1 घंटे 30 मिनट बनता है, तो 7 घंटे दिया गया है, तो 7 × 21 210 अंश। अब ये 10 अंश क्यों आगे बढ़ा है, क्योंकि घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है, ये 20 मिनट दिया गया है, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, 10 अंश जोड़ दिए कितना हो गया 220 अंश, यह घंटे वाली सुई के द्वारा चली गई दूरी है। अब मिनट वाली सुई द्वारा कितना चलते हैं 20 मिनट दूरी तय करते हैं, तो 1 मिनट में 6 अंश, तो 20 मिनट में कितना हो गया 120 अंश, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 100 अंश, यानी कितने स्कोर बनता है 100 अंश स्कोर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप को हम दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। बोला है 7:20, 7:20 कितना मिनट 20 मिनट। अब देखिए ये हमने इसको 7 को नोट कर लिया, ठीक। अब देखिए इसमें हमने 5 से भाग दिया, 5 से भाग देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 और कितना हो गया 20, 4 हो गया, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 3, कितना घंटा हो गया 3। देखिए पॉजिटिव है, इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, 7 में से 4 निकालेंगे कितना हो गया 3 घंटा, पता है ये घंटा में कितने स्कोर बनता है 30 अंश का, ये हो गया 3 घंटा, ठीक। आपने इसमें 30 से गुणा कर दिया, ठीक, कितना हो गया 90। अब देखिए ये 20 लिखा है ना, 20 का आधा कितना होगा 20 का 1/2 अंश करिए, ठीक, 20 का 1/2 करेंगे कितना होगा 10 अंश, कितना हो जाएगा 10, और 10 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 100 अंश, ये भी आपका आंसर हो गया। अब बोलेंगे भैया ये 7 घंटा है, 7 हमने नोट कर लिया, ये भी पॉजिटिव है, बताओ 7 में से हमको कितना घटाना है 4 घटाना है, क्यों घटाना है, क्योंकि जो घंटे वाली सुई है उसकी बीच की दूरी कितनी होती है 5 मिनट होती है, कितनी होती है 5 मिनट, ये दिया कितना 20 मिनट, हमने इसमें 5 से डिवाइड कर दिया कितना आ गया 4 घंटे का दिन दे रहा है, कितने घंटे दे रहा है 4 घंटे का दिन दे रहा है, ये 7 घंटा हो गया, हो गया 4 घंटा, इसको हमने जो मिनट में था इसको हमने घंटा में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए 7 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अब 3 में 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनता है, तो बताइए 3 घंटा कितने बनेगा 90 अंश का, और जो चली गई दूरी कितनी है 20 मिनट दूरी तय करता है, तो 20 का आधा कितना होगा 10, एक घंटे में सब कन्वर्ट हो गया, 90 और 10 कितना हो गया 100, यानी कि दोनों सुइयों के मध्य कितने स्कोर बनता है 100 अंश का कोण बनता है, ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका मेथड 2 था, ये बहुत आसान तरीका है, शॉर्ट कट तरीका इसका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हो गया। अब देखिए अभी एग्जाम में बोले कि 10:10 इसमें एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, वीडियो और एग्जाम जून में होने वाले हैं, ठीक। जून में उम्मीद लग रही है कि एग्जाम हो जाए वीडियो का, वीडियो री एग्जाम के लिए 2018 का जो एग्जाम रुका हुआ है, ठीक। बच्चों बड़ा लंबे समय से इंतजार था, एग्जाम कब होगा, ठीक। तो हो सकता है इसका जून में एग्जाम हो जाए। यहाँ देखिए अब लिखा है 7:00, हमने बोल दिया कि 10:10 पर, कितना 10:10 पर बोल दिया, 10:10 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने त्रिकोण बनेगा, 10:10 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। क्वेश्चन नोट हो गया, 10:10 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। अब देखिए यह घंटे की सुई होगी, यह कौन सुई है, मिनट की सुई है, बोला है 10:10। तो करिए इसमें कैसे गुणा कर दें, 30 से गुणा की कितना हो गया, 300 के। बताओ 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। 10 का आधा 5 अंश, जोड़ दिए कितना हो गया, 305 अंश। ये तो घंटे वाली सुई का रेंज हो गया, ये मिनट वाली सुई देखना है, 10 मिनट है, 6 से गुणा कर दिए, 10 मिनट कितना हो गया, 60 अंश। दोनों के बीच का अंतर 305 में से 60 घटा दें, कितना हो गया, 245 अंश। अब बताओ ये तो 245 अंश है ना, अब बोला ये घड़ी हमने बना दिया, ये लिख दिया 12, ये हो गया 3, 6, 9, बोला है 10:10, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, तो बोला है 10:10, ये हो गया 10:10। ये कोण आंतरिक कोण है और ये कोण कौन सा है, बाह्य कोण। अब बताइए बाह्य कोण कितना निकला हमारा है, कितना निकला, 245। तो हमें आंतरिक कोण कितना होगा, एग्जाम में 245 अंश पता है, ये भी राइट कर सकते हैं, लेकिन एक कोण और देगा, ये तो वाई कोण हो गया, और टोटल कोण कितना हो गया, 360 अंश। तो 360 में से अगर 245 घटा दे कितना हो गया, 115 अंश। तो बताओ अंदर का कोण यानी कितना हो, 115 अंश, इसको बोलते हैं आंतरिक कोण, और वाई कोण कितना है, 245 अंश। जब भी कोण 180 अंश से ज्यादा है, जब भी कोण 180 अंश से ज्यादा है तो बताइए उसको बोलेंगे वाह कोण, क्या बोलेंगे, वाह कोण। अब बताइए 181 आ गया, 185 आ गया, 290 आ गया, ये सब क्या है, वाह कोण। अब 360 में से घटा देंगे तो आपका आंतरिक कोण पता हो जाएगा, एग्जाम में 245 दे सकता है या 245 दे देगा, तो ऑप्शन कितना देगा, 115 अंश देगा। यह हो गया वाह कोण, यह हो गया कौन सा, आंतरिक कोण, ये कौन सा है घड़ी का जो आंतरिक कोण है, यह कौन सा है, वाह कोण, यह हो गया वाह कोण, यह हो गया आंतरिक कोण, ठीक है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं घर जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अभी ये क्वेश्चन तो कर रहा हूँ, अभी बोल दिया एक घड़ी में टाइम हो रहा है 5:15। अब देखिए बताना है इसको लगाना है, अब देखिए अगर दो तरीका से हम लगाते हैं, बेसिक तरीका पहले लगाते हैं, बेसिक तरीका बताइए, इसमें 30 से गुणा कर दिए कितना हो गया, 150 अंश। 15 का आधा कितना हो जाएगा, 7.5, कितना हो गया, 157.5 अंश। घंटे वाली सुई कितना हो गया, 157.5, इसमें 10 गुणा करेंगे 6 अंश, 15 × 6 = 60 अंश। बताओ घंटे वाली सुई कितना हो गया, 15 × 6 कितना हो गया, 15 × 6 कितना हो गया, 90 हो गया, 15 × 6 कितना हो गया, 90 हो गया। अब बताओ 157 इसमें 90 घटा दे, ठीक, अगर जब 90 घटाएंगे तो बताइए ये हो गया 67 कितना हो जाएगा, 67 कितना हो गया, 5। यही कोण बना है, कितने 67.5 अंश का। एक टाइप को क्या, दूसरा टाइप देखिए कैसे लगाएंगे इसी क्वेश्चन को, बोला है 5:15, हमने 5 को नोट कर लिया, 5 घंटा, ये क्या 5 घंटा कैसा है, पॉजिटिव है ना, नेगेटिव है नहीं। अब देखिए यहाँ कितना लिखा गया, इसमें कितने भाग देंगे, 5 से 5 दिया 15, ये हो गया 15।
अब दोनों के बीच में देखिए पॉजिटिव है भी पॉजिटिव है, अगर घटाएं अंतर करेंगे इनके बीच का जो अंतर आएगा कितना, 5 में से 3 घटा कितना हो गया 2, 2 घंटा आ गया, इससे पूरा कर देंगे 1 घंटे 20 अंश पर 2 घंटे में 60 अंश हो गए ठीक। और देखिए 15 का आधा करें 15 का आधा करें कितना हो जाएगा 7.5, इसमें 7.5 जोड़ दीजिए आंसर हो गया 67.5, ये भी राइट आंसर है कि नहीं। ये आपका एक तरीका यहाँ पर, एक तरीका यहाँ पर है, दोनों तरीके आपके सामने हैं ठीक है। जो आपको समझ में आया वो तरीका बेहतर है, अगर आपको पहला समझ में आया गलत तरीका बेस्ट है, अगर आपको दूसरा तरीका समझ में दूसरा तरीका बेस्ट है, अपने ऊपर समझ में डिपेंड करता है क्या कौन सा बेहतर है ठीक है। नोट हो गया चलिए। ये क्वेश्चन तो ऐसे पूछे गए, अभी देखिए बोले कि 10 बजकर कितना मिनट 15 मिनट देखिए इसके 30 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 300, 15 का आधा जोड़ दें कितना 7.5 यानी कितना हो गया 307.5 5 अंश ये हो गया ना। इसमें क्या पूरा करेंगे 6 से 15 चक्कर 90 अंश, बताओ मिनट वाला 90 अंश आ गया और घंटे वाला कितना हो गया 307.5, इसमें से 90 घटा दे भाई 90 घटा दे ठीक। जब 90 घटाएंगे ये हो गया 210 यानी कि 200 कितना हो गया 217 कितना आ रहा है 5 ठीक है ना। चेक चेक कर लीजिएगा ठीक है ना 217.5। ये बताइए जो वैल्यू आया है, ये जो यहाँ पर वैल्यू आया है 180 अंश से क्या है ज्यादा है, जब 180 अंश से ज्यादा हो, 180 अंश से ज्यादा हो तो हम क्या कर रहे हैं 307 अंश माइनस 217.5 घटा के आप बताइए कमेंट में करके बताइएगा कि आपका जवाब क्या होगा ठीक। आपका जो भी आंसर होगा आप कमेंट करके बताइएगा ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आपका आंसर कितना आया है, आपने कितना बेहतर जवाब दिया है ठीक ना। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका दूसरा तरीका देखिए, बोला है 10 बजकर 15 मिनट। दूसरा तरीका देखिए 10 बजकर कितना मिनट 15 मिनट। अगर हम 10 यहां नोट कर लिए 10 हो गए ठीक। याद रखिए ये 5 से भाग दिए, 5 × 3 = 15 कितना हो गया 3 हो ठीक। अब बताओ इनके बीच का अंतर क्या घंटा हो गया 7 घंटा हो गया 7 घंटा 10 घंटा 3 घंटा 7 घंटा 1 घंटा कितने पर बनता है 30 अंश का, तो 7 घंटे में 210 हो गया। अब देखिए 15 का आधा कितना होगा 15 × 1/2 अंश काट दिए कितना हो गया 7.5 अंश, इसमें जोड़ दें 7.5 अंश हो गया 217.5 अंश, ये आपका आ गया। अब बताइए वैल्यू कितना है, ये वह कोण है, आपको आंतरिक कोण निकालना है 180 अंश से जाते हैं तो 307 अंश माइनस 217.5 आप घटा देंगे आपका हो जाएगा आंसर ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आपको कल से स्टार्ट होगा लाइव क्लास। जय हिंद।